आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है 1, 2, 3, 4 किलोग्राम के बिंदु द्रव्यमान क्रमशः 0.0.0, 2.0.0, 0.3.0 तथा -2.-2.0 बिंदुओं पर रखे हैं। तो x अक्ष के सापेक्ष इस अक्ष का, ठीक है, सॉरी इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो निकाय दिया है, सबसे पहले इसको हम लोग कार्तीय तल में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, देखिए हमने चारों द्रव्यमानों को, ठीक है, m1 जो कहाँ मूल बिंदु पर है, 0.0.0 पर, ठीक है, m1 कितना है मेरा, m1 मेरा 1 kg है। ठीक है, उसी प्रकार m2 मेरा कितना है, m2 मेरा 2 kg है। ठीक है, ये 2 kg कहाँ पे है मेरा, 2.0.0 पे। ठीक है, 2.0.0 x अक्ष पे ही है ये भी। तीसरा मेरा m3 कितना है, देखिए m3 मेरा कितना है, m3 है 3 kg। ठीक है, m3 कहाँ पे है मेरा, 0.3.0 यानी y अक्ष पे, तीन जो x अक्ष की दूरी कितनी, लंबवत दूरी 3 meter मान लीजिए। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है। तो और चौथा बिंदु, जो चौथा जो मेरा द्रव्यमान है 4 kg का, m4 कितना है 4 kg का, वो कहाँ पे है, -2.-2.0 यानी x अक्ष में इधर ऋणात्मक की तरफ, y अक्ष में ऋणात्मक की तरफ। ये कितना -2 है, ये कितना -2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 2 है। ठीक है, तो अब बोला ये जो पूरा निकाय है इसका x अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र होता है, आई बराबर होता है वो mr² होता है। ठीक है, आई बराबर mr² से हम लोग इसको प्रस्तुत करते हैं, जो मेरा जड़त्व आघूर्ण होता है। ठीक है, m जो होता है मेरा द्रव्यमान है, r जो है उसका लंबवत दूरी होता है। तो देखिए m1 और m2 दोनों x अक्ष पर उपस्थित है। ठीक है, तो x अक्ष के सापेक्ष इन दोनों का दूरी कितना होगा, 0 होगा, यानी r1 बराबर r2 बराबर 0 होगा। उसी प्रकार r3, देखिए m3 जो है उसका दूरी कितना है x अक्ष से, लंबवत दूरी 3 meter है। ठीक है, तो r3 मेरा 3 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार r4 देखिए कितना होगा मेरा, r4 जो m4 द्रव्यमान है उसका x अक्ष से दूरी कितना है, वो 2 नीचे है। ठीक है, तो 2 meter मान लीजिए। तो r2 मेरा, r4 2 है। ठीक है, तो जो पूरा निकाय है उसका जो मेरा जड़त्व आघूर्ण होगा, आई बराबर m1 r1² जोड़ m2 r2² जोड़ m3 r3² जोड़ m4 r4² ये हो जाएगा। ठीक है, आप सबका मान रख दीजिए, m1 कितना है मेरा 1 kg गुना r1 कितना है 0 का वर्ग जोड़ m2 कितना है मेरा 2 kg r2 कितना है 0 का वर्ग प्लस m3 कितना है मेरा 3 kg गुना r3 कितना है मेरा 3। ठीक है, तो 3 का वर्ग जोड़ m4 कितना है मेरा 4 kg गुना दूरी कितना है r4 2 यानी 2 का वर्ग। ठीक है, इसका मात्रक कितना हो जाएगा पूरा kg m² इसका मात्रक होगा। ठीक है, तो आई मेरा कितना हो गया, यहाँ से देखिए 0 जोड़ 0 जोड़ 3 × 9 = 27 जोड़ 2 × 4 = 16। ठीक है, तो बराबर कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 43 kg m². ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।